That's not good. दोस्तों आज मैं आपको हॉलीवुड की टॉप 10 बेस्ट साइंस फिक्शन मूवीज के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको जबरदस्त विजुअल्स, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और खतरनाक फाइट सीन्स भी देखने को मिलेगा। साईफाई मूवीज की सबसे अच्छी बात यह होती है कि ये आपको एक ऐसे फिक्शनल दुनिया के साथ जोड़ती है जो कि असली में न होकर भी असली लगती है। अगर आप दुनिया की सबसे जबरदस्त साईफाई मूवीज को ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि मैं आपको ऐसे ऐसी मूवीज के बारे में बताऊंगा जो कि आपको पूरी तरीके से चौंकाने के साथ कमाल का एक्सपीरियंस भी देंगी। और हाँ, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना ताकि आपको आपकी पसंद की मूवी मिल जाए। नंबर 10 पर है पिक्सल्स, जो कि आई थी 2015 में। एक कॉमेडी एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी है 80 के दशक की, जब एक लड़का 80 के दशक में खेले जाने वाले वीडियो गेम्स में एक्सपर्ट होता है और हर गेम में नए नए रिकॉर्ड्स भी सेट करता है। लेकिन फ्यूचर में उसने गेमिंग छोड़ दी है और वो एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरमैन का काम कर रहा होता है। और एक दिन पृथ्वी पर कुछ एलियंस हमला कर देते हैं जो कि 80 के दशक के गेम जैसे होते हैं, जो कि पूरी दुनिया के हर चीज को पिक्सल्स में बदल रहे होते हैं। तब वीडियो गेम एक्सपर्ट सैम कैसे उनका सामना करता है आप देखिए इस मूवी में। मूवी काफी ज्यादा फनी है, जो कि आपको 80 के दशक के वीडियो गेम की दुनिया में लेके जाएगी। इस मूवी को IMDb पर 5.5/10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पर है ब्लडशॉट, जो कि आई थी 2020 में। ये एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में कहानी है रे गैरिसन नाम के एक एलाइट सोल्जर की, जिसकी मौत एक बैटल के दौरान हो जाती है। लेकिन एक साइंटिस्ट डॉक्टर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे मौत के मुंह से वापस लेके आता है और उसकी बॉडी में नैनो टेक्नोलॉजी को इम्प्लांट कर देता है, जिसकी वजह से उसके अंदर सुपर ह्यूमन एबिलिटीज आ जाती है और चोट लगने पर वो कुछ ही सेकंड में हील हो जाती है। लेकिन उसे इतना पावरफुल बनाने के पीछे उस डॉक्टर का क्या रीजन है, देखिए आप इस मूवी के अंदर। मूवी के विजुअल्स और फाइट सीन्स कमाल के हैं। इस मूवी को IMDb पे मिले हैं 5.7/10 की रेटिंग और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। नंबर 8 पर है अमेरिकन अल्ट्रा, जो कि आई थी 2015 में। ये एक एक्शन कॉमेडी मूवी है। मूवी में कहानी एक माइक नाम के एक आम से लड़के की, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। लेकिन एक दिन उसे अचानक पता चलता है कि उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जिससे वो कुछ लोगों की बैंड बजा देता है और उसके बाद उसके ऊपर लगातार कुछ लोग हमला करते रहते हैं। लेकिन उसकी फाइट स्किल के आगे कोई भी टिक नहीं पाता। आखिर वो कौन है और उसको ये पावर्स कैसे मिली, जानने के लिए आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। इस मूवी को IMDb पे मिले 6.1/10 की रेटिंग और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पे भी देख सकते हो। नंबर 7 पर है एलिजियम, जो कि आई थी 2013 में। एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी है एक लग्जरियस स्पेस स्टेशन एलिजियम की, जहां सिर्फ अमीर लोग रहते हैं, जहां हर बीमारी का इलाज संभव है और पृथ्वी अब रहने लायक नहीं बची है और पृथ्वी के लोग धीरे धीरे बीमारी से मर रहे होते हैं और अमीर लोग नहीं चाहते कि पृथ्वी से कोई भी इंसान उनके स्पेस स्टेशन में आए। ऐसे में मैक्स नाम का लड़का ऐसा क्या करता है जिससे कि पृथ्वी के लोग उस स्टेशन में जा सके, आप देखिए इस मूवी में। मूवी की स्टोरी लाइन जबरदस्त है, जिसमें दिखाए गए फ्यूचरिस्टिक विजुअल्स भी आपको काफी ज्यादा पसंद आएंगे। इस मूवी को IMDb पे 6.6/10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। नंबर 6 पर है कॉन्ग स्कल आइलैंड, जो कि आई थी 2017 में। एक एडवेंचर एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी है एक मिस्टीरियस आइलैंड की, जिसका नाम होता है स्कल आइलैंड, जिसका पता करने के लिए कुछ खोजकर्ताओं और एक आर्मी की टुकड़ी को उनके साथ भेजा जाता है, जहां पर उनका सामना होता है एक खतरनाक और 60 फीट बड़े किंग कॉन्ग से, जो कि उनकी बैंड बजा देता है। लेकिन सिर्फ वहां किंग कॉन्ग ही नहीं, जमीन के नीचे रहने वाले और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, जो कि उन लोगों का एक एक कर शिकार करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद वो लोग वहां से बचकर निकल पाते हैं या नहीं, आप देखिए इस मूवी में। इस मूवी के अंदर आपको हद से ज्यादा बड़े बड़े मॉन्स्टर्स दिखाए गए हैं, जिनके बीच की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक है, जो कि आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। इस मूवी को IMDb पे 6.6/10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे Amazon प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। नंबर 5 पर है ओब्लिवियन, जो कि आई थी 2013 में। एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी है दो एजेंट्स की, जो कि पृथ्वी में ऐसी चीजों की देखभाल करते हैं जिससे स्पेस स्टेशन में रहने वाले लोगों की जिंदगी चलती है, क्योंकि पृथ्वी पर अब एलियंस का कब्जा है, जिसकी वजह से सभी ह्यूमन स्पेस स्टेशन में रहने लगे हैं। और पृथ्वी में काम करने वाले एजेंट्स हाई टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन ड्रोन्स को रिपेयर करता है एक जैक हार्पर नाम का आदमी। लेकिन उसका पास्ट उसे याद नहीं है और उसके सपने में एक लड़की आती रहती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा बेचैन रहता है। तो वो जानना चाहता है कि वो कौन है और कहां से आया है। अगर आप भी जानना चाहते हो तो आपको इस मूवी को जरूर देखना चाहिए। इस मूवी की स्टोरी और विजुअल्स कमाल के हैं और इस मूवी को IMDb पे मिले हैं 7.0/10 की रेटिंग और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे Amazon प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं।
नंबर 4 पर है इंडिपेंडेंस डे, जो कि आई थी 1996 में। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी है खतरनाक एलियंस और उनके विशाल एलियन शिप की, जो कि पूरे शहर के ऊपर आके रुकी है, जो कि अगले 7 घंटे में पूरी दुनिया को खत्म करने वाली है। ऐसे में यूएस प्रेसिडेंट और उनकी आर्मी कैसे उन एडवांस और हाई टेक एलियंस का सामना करेगी, आप देखिए इस मूवी में। इस मूवी के विजुअल जबरदस्त है और एलियंस और ह्यूमंस के बीच के बैटल को भी खतरनाक तरीके से दिखाया गया है। इस मूवी को IMDb पे 7.0/10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है, चाहो तो आप इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हो। नंबर 3 पर है ड्रेड, जो कि आई थी 2012 में। एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी में कहानी है हमारे फ्यूचर की, जब पूरी दुनिया में लूटपाट क्राइम काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। ना कोई पुलिस है, ना कोई कानून और ना ही कोई कोर्ट। हर जुर्म का फैसला करती है सीधा जज। ऐसे में दो जज एक ब्रूटल मर्डर क्राइम को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, जिसका हत्यारा एक हाई सिक्योरिटी वाले बिल्डिंग में छुपा होता है, जिस बिल्डिंग में एक खतरनाक ड्रग लॉर्ड भी है, जिसे वहाँ के लोग कहते हैं ममा, जो कि एक ऐसे ड्रग का व्यापार करती है जिसे समय 10 गुना धीमी हो जाती है। ऐसे में वो दोनों जज उस बिल्डिंग में चले जाते हैं, जिन्हें उस बिल्डिंग में ट्रैप कर लिया जाता है, जिसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है आप देखिए इस मूवी में। मूवी में जबरदस्त और सांसें रोक देने वाले फाइट सीन्स भी हैं, जो कि आपको पूरी तरीके से रोमांच से भर देंगी। इस मूवी को IMDb पे मिले हैं 7.1/10 की रेटिंग और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पर है रियल स्टील, जो कि आई थी 2011 में। एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। मूवी में कहानी है हमारे फ्यूचर की, जब ह्यूमन बॉक्सिंग को रोबोट्स की बॉक्सिंग से बदल दिया गया है। ऐसे में चार्ली नाम का आदमी रोबोट्स की बॉक्सिंग में बहुत बड़ा नाम कमाना चाहता है, लेकिन वो एक पिता भी है जिसका बेटा उससे नफरत करता है, जिसके पीछे कोई वजह है। लेकिन एक दिन चार्ली के बेटे को कबाड़ में एक प्रैक्टिस रोबोट मिलता है, जिसे रिपेयर करके अपने पिता के साथ वो उसे एक लोकल फाइट में लेके जाता है, जहाँ पर वो लोग फाइट जीत कर कुछ पैसे कमाते हैं, जिसके बाद उस रोबोट की वजह से उनकी लाइफ में क्या क्या होता है आप देखिए इस मूवी में। ये मूवी कमाल की है, जो कि एक पॉइंट पे बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है और ये मेरी फेवरेट मूवी है। इस मूवी को IMDb पे मिले हैं 7.1/10 की रेटिंग और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। आप चाहो तो इसे यूट्यूब पे देख सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 1 पर है स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स, जो कि आई थी 2018 में। ये एक एक्शन एडवेंचर मूवी है। मूवी में कहानी है माइल्स मोरेलेस नाम के एक लड़के की, जो कि अपने पिता के साथ रहता है, जिससे एक दिन एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर काट लेता है, जिसकी वजह से उसके पास पावर्स आ जाती है। लेकिन कुछ समय बाद वो मिलता है एक और स्पाइडरमैन से, जो कि उसके यूनिवर्स से नहीं होता है, और फिर कुछ समय बाद और भी स्पाइडरमैन उसको मिलते हैं, जो कि अलग अलग वर्स से आए होते हैं, क्योंकि एक खतरनाक विलन ने सारे वर्स को जोड़ दिया है एक मशीन से, जिसके पीछे का कारण जानने के लिए आपको इस मूवी को ही देखना चाहिए। इस मूवी की खास बात है इसका कॉमिक लुक वाला VFX, जिससे ऐसा फील होता है कि जैसे हम कॉमिक बुक की कोई मूविंग कैरेक्टर्स को देख रहे हैं। इसके यूनिक एनिमेशन स्टाइल के लिए इसको बेस्ट एनिमेशन फिल्म ऑफ द ईयर के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। इस मूवी को IMDb पे 8.4/10 की रेटिंग मिली है और ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट्स करके हमें जरूर बताना आपको और किस तरीके की मूवीज चाहिए। इसी तरह की और भी साईफाई मूवीज की लिस्ट आपको ऊपर आई बटन से भी मिल जाएगी। तो मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइस।